चौथी बच्चे फूड ब्लॉगर और आप देख रहे हैं फूड शूट विद तेजी आन्या। तो फ्रेंड्स, मैंने सुना है कि श्रीनगर में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है जो कि है अन्नकूट रेस्टोरेंट। तो मतलब इनकी एक खास बात आपको बताती हूँ, ये स्कॉन से इंस्पायर है, तो इसलिए इनके खाने में ना गार्लिक होता है ना अनियन होता है। तो मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी मैंने मतलब थाली मंगाई हुई है अपनी, तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये ना मेट्रो स्टेशन से मतलब 2 मिनट की वॉक में ही है। मतलब तो आप आके, अगर आप जैसे श्रीनगर में कहीं शॉपिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप मतलब यहाँ पे आके भूख लगे तो आप मतलब चीज़ें खा सकते हो। यहाँ पे मतलब स्वीट्स भी हैं एंड मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं खाने की, पर हमने मंगाई है अन्नकूट स्पेशल थाली। चलो अब उसका वेट करते हैं कब आएगी। तो फ्रेंड्स, वेट ख़त्म हो चुका है एंड हमारी थाली आ चुकी है, जिसके अंदर मतलब वैसे अंदर का मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर मैं आपको पहले इतना बताऊँगी कि मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विस है। 5 से 7 मिनट में आ चुका है। तो मेरी मतलब जब भूख भरने लग जाती है तब भी नहीं आता, पर अब इतनी जल्दी आ गया कि भूख भर ही नहीं पाई मेरी। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है दाल मखनी है, इसके अंदर शाही पनीर, रायता बिना बूंदी वाला एंड वो है क्या बोलते हैं सैलड के अंदर। फ्रेंड्स ये क्या, ओह फ्रेंड्स ये तो नींबू है, पता है मैं कैसे थी, मेरे को लगा सैलड के अंदर पता है पियर भी दिया है। और ये सब छोड़ो, आपको इसके अंदर अनियन नहीं दिखला होगा क्योंकि अनियन और गार्लिक के बिना है तो अनियन नहीं है, और इसमें कहीं पे भी गार्लिक भी नहीं डला हुआ है। तो ये है इधर राइस और ये रोटी एंड ये पापड़, और स्वीट डिश में गुलाब जामुन जो कि है मेरा फेवरेट। तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का, खा भी लेते हैं, चलो टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रेजेंटेशन तो बहुत बढ़िया है, मतलब इसके अंदर ऊपर से क्रीम डाल रखी है दाल मखनी में और शाही पनीर में, तो मेरे को बहुत मतलब देखने में इतना मस्त लग रहा है, सोचो खाने में कैसा होगा। तो चलो अब इसे टेस्ट करते हैं, अब मेरे से वेट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम लोग दाल मखनी के साथ टेस्ट करेंगे क्योंकि दाल मखनी मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। मतलब वैसे अब इनकी दाल मखनी ट्राई करते हैं, मैंने कई जगह की दाल मखनी ट्राई की हुई है वैसे। हाँ फ्रेंड्स इसको खा के मतलब मज़ा ही आ गया। दाल मखनी तो मेरी वैसे ही मेरे को बहुत बढ़िया लगती है, पर इनकी भी बढ़िया लग रही है। और मतलब गिरी तो नहीं, बच गई। हाँ मैं ये कह रही थी कि इनके मसाले हैं जो थोड़े से लाइट है, मतलब बढ़िया लग रहा है खाने में भी, जितने लाइट मसाले होंगे उतना बढ़िया लगता है। तो मतलब मज़ा आ रहा है खाने में भी। और जो ये हमारी रोटी है, ये बटर रोटी है, जबकि ये मेरे को पता नहीं क्यों नान लग रही है, सच में नान लग रहा है मेरे को ये। और अब इसे हम लोग शाही पनीर के साथ टेस्ट करते हैं, देखते हैं आप कैसा शाही पनीर के साथ टेस्ट आने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, मेरे लहजे के अंदर रोटी का थोड़ा सा पीस चलेगा, कोई बात नहीं, अब चलो टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनका जो शाही पनीर है वो भी बढ़िया है। इसके अंदर मसाले लाइट लग रहा है मेरे को, दोनों के अंदर थे वैसे तो मसाले लाइट, पर इसके अंदर शुगर का भी थोड़ा बहुत टेस्ट आ रहा है, जैसे शाही पनीर के अंदर थोड़ा सा स्वीटनेस होती है ना, तो इसके अंदर भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चला के कि इसके अंदर उसके कितने पीसेज हैं पनीर के। फ्रेंड्स शायद एक ही है, हाँ फ्रेंड्स 1 पीस ऑफ, देखते हैं कितना बड़ा है। आजा भाई, काफ़ी बड़ा लग रहा है देखने में। हाँ फ्रेंड्स बहुत बड़ा पीस है, पर एक ही है, कोई बात नहीं, जो कि ढका हुआ था, पर यम्मी लग रहा है खाने में भी। तो फ्रेंड्स चलो टेस्ट करते हैं अब अपना पनीर। तो आ गया पनीर, फ्रेंड्स इनका पनीर ना सॉफ्ट है तो एकदम बढ़िया आ रहा है। जब पनीर सॉफ्ट होते तो उसका भी एकदम बढ़िया एहेंस हो जाता है उसका टेस्ट, तो एकदम बढ़िया लग रहा है। चलो अब टेस्ट करते हैं अपना रायता। फ्रेंड्स इसके अंदर बूंदी नहीं है, मेरे को बूंदी वाला रायता ज़्यादा अच्छा लगता है, पर चलो अब टेस्ट करते हैं बिना बूंदी वाला कैसा होने वाला है।
यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स एकदम। जो इनका रहता है एकदम पतला, मतलब मीडियम है। मीडियम मीन्स कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, एकदम पानी जैसा जो हो जाता है। इनका जो दही है वो भी खट्टा नहीं है, सही है, एकदम खट्टा होता है तो रायता एकदम अच्छा ही नहीं लगता फिर तो। खट्टा नहीं है इनका दही तो ये बढ़िया बात है। अब टेस्ट करते हैं अपने राइस के साथ दाल मखनी। चलो टेस्ट करते हैं दाल मखनी के साथ अपने राइस। आ जाओ। हाँ मज़ा आ गया फ्रेंड्स। जो चावल है उनके साथ तो और भी बढ़िया लग रहा है। चावल के साथ हर जो चीज़ होती है उसका टेस्ट इतना बढ़िया लगने लग जाता है तो अच्छा लग रहा है मेरे को। जो इनके राइस है वो भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट से है, कच्चे नहीं है। इसे कभी कभार कच्चे रह जाते हैं वो, तो वो कच्चे नहीं है तो बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है जो कि है मटर। फ्रेंड्स मैंने मटर को ऐसे एकदम फिनिशिंग टाइप सी दे दिया कि वो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ पे राजा बैठा हुआ है एक, तो वही लग रहा है। चलो अब ये सब छोड़ते हैं, अब खाते हैं भाई, खाने पे फोकस करते हैं। चलो अब पापड़ ट्राई करते हैं। पापड़ ट्राई करते हैं। अरे यार ये आता ही नहीं है, ये ट्राई करते हैं। फ्रेंड्स पापड़ भी क्रिस्पी है और तो और जो पापड़ है ना वो एकदम सिका हुआ है अच्छे से। क्या होता है कभी कभार एक साइड से सिकता नहीं, एक साइड से सिक जाता है, वो नहीं है पर अच्छे से सिका हुआ है तो बढ़िया लग रहा है। अब ट्राई करते हैं अपना गुलाब जामुन, बेस्ट पार्ट ऑफ द थाली जो कि मेरे को लगता है डेजर्ट। इसमें अगर गुलाब जामुन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। अब टेस्ट करते हैं। वैसे गुलाब जामुन ही मिलता है हर जगह, पता नहीं, छोड़ो अब हम टेस्ट करते हैं। हाँ यम्मी यम्मी गुलाब जामुन। मज़ेदार फ्रेंड्स, जो इनका गुलाब जामुन है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट है तो बढ़िया लग रहा है। और मतलब इसके अंदर मीडियम स्वीटनेस है, कभी कभार एकदम ओवर चली जाती है वो, पर ओवर नहीं गई, मीडियम है एकदम। तो फ्रेंड्स ओवरऑल खाना मेरे को बढ़िया लगा। एंड अगर आप मतलब मैं अगर आपको जैसे कुछ मतलब नॉर्मल मसालों का खाना है, मतलब हल्के मसालों का और सिंपल कुछ खाना है और जो मतलब आपको अच्छा भी लगे तो ये बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। क्योंकि मतलब अगर आपको कुछ चटपटा खाना है या स्पाइसी के आप शौकीन हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा सिंपल लगे, आपको मन ना करे, पर मैं इतना स्पाइसी खाती नहीं तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। तो मैं इसे दूंगी 10 में से 7.5, तो मेरे को अच्छी लगी। अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना खाना, तो मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। तो फ्रेंड्स अब खाते अपना लास्ट स्वीट डिश एंड फिर एंड करते अपनी थाली को। तो फ्रेंड्स थाली हो चुकी है ख़त्म एंड मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी सच में। मैंने आपको बता दिया था क्यों बढ़िया लगी, जैसे कि हर ब्लॉग में मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मिलके पूरा खाना फिनिश करते हैं, हम लोग फूड वेस्ट नहीं करते। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आप भी प्लीज़ अपना पूरा खाना फिनिश करके ही उठिया करिए मतलब उठा करिए। तो आप भी प्लीज़, तो इसी अन्नकूट स्पेशल ब्लॉग को यही एंड करते हैं। शौर को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। बाय फ्रेंड्स। गले में क्या हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो अजीब सा ही हो रहा है। नहीं हनुमान चालीसा सुबह गाई थी उसमें भी हो रहा था। ये क्या कृपा होती।
चलो।